मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 का बायोलॉजी का डिवीजन का पार्ट 2 है, फाइनल पार्ट है। अब इसमें क्या है कि उस दिन हम बता रहे थे कि नेक्स्ट मंथ देखेंगे इरिगेशन के बारे में, ठीक है। तो फोर्थ नंबर इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन उसके बाद ब्रीडिंग है और फिर हार्वेस्टिंग स्टोरेज और उसके बाद थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो सबसे पहले इरिगेशन है, तो यहाँ पे देखो दो चीज बताया, एक मॉडर्न मेथड है और एक ट्रेडिशनल मेथड है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल देखो, अब ज्यादातर यूज होता है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, यूज इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है और वाटर हार्वेस्टिंग के तहत, मतलब पानी बचाता है, कम पानी में ही काम रहता है, इसके कारण ये मॉडर्न मेथड है अब ज्यादा अच्छा माना जाता है। बट इसके आने से पहले लोग फार्मिंग कर रहे थे तो वो ट्रेडिशनल मेथड जो चला आ रहा था पहले से, यहाँ पे चार दिया होगा, ठीक है। तो इरिगेशन में पहले पढ़ते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम है और दूसरा ड्रिप सिस्टम, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम का मतलब क्या, देखो नाम से ही पता कर रहा है ड्रिप और ये स्प्रिंकलर। देखो एक पाइप रहेगा, उसके ऊपर नोजल लगा रहेगा इस तरीके से, ठीक है, और यहां से पानी प्रेशर में निकलता रहेगा और ये रोटेट करता है, घूमता रहता है, जिसके कारण क्या होता है पानी का जो फुहारा है वो हर डायरेक्शन में छींटे करना पड़ता है, ठीक है। या फिर मान लो यहाँ से प्रेशर भी निकल रहा है, जब उसको प्रेशर डालते हैं, पाइप है, पाइप से पानी जब उसे प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है चारों तरफ गिरता है ना पानी, जहां तक काफी रेंज में जाता है, तो वो स्प्रिंकलर सिस्टम से होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चीज हटा देते हैं अगर स्प्रिंकलर सिस्टम की जगह, तो डायरेक्ट पाइप से आता ना पानी, उसमें ज्यादा पानी लगता है, तो इसलिए ये कम पानी खर्च में ही सारे खेतों के मिट्टी में पानी को पहुंचने का काम कराते हैं, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है, ड्रिप सिस्टम को माना जाता है एडवांस बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा ही हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग। ये करता क्या है कि जैसे मान लो कॉलम और रूम बना रहता है फील्ड में, तो यहां पर एक प्लांट है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा, पांचवा, यहां से ऐसे ऐसे प्लांट दिया होगा, डॉट जो बनाए वो प्लांट दिया होगा। और ड्रिप सिस्टम क्या करता है कि एक पाइप होगा जो रूट के पास से जाएगा, आप लगाएगा क्रॉप के रूट के पास से और ड्रॉप से, जैसे ड्रॉप ड्रॉप गिरता है, ये ड्रिप मत तो वही है, ड्रॉप ड्रॉप करके उसके रूट के पास ही पानी गिराएगा, तो जहां पे जरूरत है वहां पे पानी गिराएगा। तो कम पानी में भी हम लोग खेती कर सकते हैं मॉडर्न मेथड के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं इरिगेशन ट्रेडिशनल मेथड, मोट है, चेन पंप, ढेकी और राह। देखो मोट में क्या है कि जैसे कि एक कुआं रहेगा, ठीक है, कुएं से पानी निकाल ले, जनरली क्या है ये सब में कुआं वगैरह या पानी का जो रिसोर्स रहेगा उससे क्या करना पड़ता है, निकाल करके फील्ड तक पहुंचाने का काम, ठीक है। फिगर दिखा दो, यहां पे देखना क्या है कि सबसे पहले मोट में क्या कर रहा है, एक कुआं है, कुएं से क्या कर रहा है पानी निकाला जा रहा है कूलिंग सिस्टम के थ्रू और उसको वापस कुएं के बगल में ही गिरा दिया जा रहा है और ये पानी ड्रेन के थ्रू चला जाएगा फील्ड में, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं चेन पंप, चेन नाम देख लो, चेन का मतलब क्या है, एक बड़ा सा व्हील में तीन चार वेसल्स को कनेक्ट कर दिया गया है और पानी जैसे से उसके साथ आ जाएगा, उसके बगल में एक गड्ढा बना दिया जाता है, ठीक है, जिसमें पानी को गिराया जाएगा और ये गड्ढा जो है कहाँ चला जाएगा, फील्ड तक चला जाएगा। तो यहां से यहां गड्ढे में डाला गया और ये फील्ड तक चला जाएगा चेन पंप। फिर क्या है, ढेकली है, ढेकली में क्या कर रहे हैं कि जैसे कि बैरियर वगैरह बनता है वैसे उस मेथड से पानी हम निकालते हैं कुएं से और उसको भी फिर बाहर में देते हैं पानी और वो एक पाथ को फॉलो करते हुए फील्ड में पहुंच जाता है, ठीक है। फिर राहत है, राहत क्या करता है कि इसमें एनिमल का यूज होता है, बहुत टाइम लोग खुद भी करते हैं बट दिन भर वो कर नहीं सकते इसलिए ऑक्स वगैरह का यूज करते हैं या फिर वैसा एनिमल जो अब उसके यूजफुल में नहीं रहा, सिर्फ फील्ड वर्क के लिए वो अब काम आता है, तो उसका यूज करा के क्या करते हैं कि एक मशीन का यूज करके, ठीक है ना, जो ऑक्स है या कोई जानवर चारों तरफ घूमेगा और एक व्हील सिस्टम से वो पानी को ऊपर निकालता रहेगा, ठीक है ना, देख लो यहाँ पर घूमता रहेगा और इसमें पानी भर के बाहर गिरता रहेगा और वो फील्ड में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ये चार। आगे देखते हैं ब्रीडिंग के बारे में, आप बता चुके थे ब्रीडिंग, वीड्स यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है वीड्स, यहां पर देखो
जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारा जो हम लोग प्लांट देखते हैं या फिर मान लो क्या बोलते हैं साग जो खाते हैं हम लोग जनरली, वो बहुत सारा वीड्स होता है। वीड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट, मतलब कि जो हम अपना क्रॉप ग्रो कराए हैं तो सॉइल में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन सा प्लांट का सीड है पता नहीं, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, उसमें ये नहीं देखते कौन सा सीड है, तो जो वीड्स है उसके साथ ग्रो कर जाता है जो हम लोग का यूजफुल नहीं होता, और जो क्रॉप हम लोग के लिए यूजफुल है उसका सारा न्यूट्रिएंट्स ये ले लेता है, तो इसलिए हम लोग को इसको हटाना पड़ता है। और बहुत टाइम ये वीड्स जो है ह्यूमन के लिए एलर्जन होता है, मतलब एलर्जिक होता है हम लोग को वीड्स से, छींक आना फिर बहुत सारा लंग्स प्रॉब्लम हो जाना, उसको बोलते हैं एलर्जी, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से इसका वीडिंग करते हैं। वीडिंग का मतलब क्या है, वीड्स को हो गया प्लांट, वीडिंग का मतलब है वीड्स को हटाना, रिमूवल ऑफ वीड्स कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। तो दो तरीके से हम वीड्स को हटाते हैं, पहला क्या है मैनुअली, दूसरा है केमिकल। मैनुअली में क्या करते हैं हम लोग, हाथ से खुरपा एक होता है, खुरपी यूज होता है, उससे हम लोग उसको उखाड़ते हैं, ठीक है। पहला होगा मैनुअली, मैनुअली मतलब खुद जाकर करते हैं। फिर दूसरा है केमिकली, जिसको बोलते हैं वीडिसाइड्स, क्या बोलते हैं वीडिसाइड्स बोलते हैं, केमिकली यूज होता है वो सब्सटेंस, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह होता है क्या न्यूट्रिएंट्स को बनाने में, वैसे ही वीडिसाइड्स होता है, पेस्टिसाइड्स होता है पेस्ट वगैरह को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स होता है इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए, तो वैसे ही यहां है वीडिसाइड्स, क्या है वीडिसाइड्स यूज होता है, जिसका नाम है 2,4-D, ठीक है। अब आते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्ट का मतलब कट करना, जैसे मान लो कि क्रॉप हमारा ग्रो करेगा सारा राइप हो गया मैच्योर कर गया क्रॉप, आप उसको फील्ड में नहीं छोड़ सकते, तो उसको कट करके एक कट्ठा करना, जैसे मान लो पूरे फील्ड में था उसको सबको कट किया गया सिकल से, सिकल मतलब होता है हसुआ जिससे कट करते हैं, तो उससे कट करके प्लांट को जो मैच्योर हो गया मतलब क्रॉप अप राइप कर गया पक गया उसको कट करके एक जगह रखना, मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप्स एंड गैदरिंग ऑफ इट कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब इस हार्वेस्टिंग में दो प्रोसेस है, एक थ्रेसिंग है, ठीक है, दूसरा विनोइंग है। क्या है बहुत इजी है, हम क्या किए पहले क्रॉप को कट करके एक इकट्ठा कर लिए उसको बोले हार्वेस्टिंग, दूसरा क्या है थ्रेसिंग। तो अब जो क्रॉप कट करके इकट्ठा किए उसमें से ग्रेन्स को निकालना, क्योंकि हमारा पूरा प्लांट तो यूजफुल नहीं होता है, तो उसमें से जो ग्रेन्स है जैसे मान लो गेहूं है या फिर मान लो पैडी का, तो उसे क्या करेंगे जो प्लांट है उससे उसके ग्रेन्स को अलग करेंगे, उसी को बोलते हैं थ्रेसिंग। ये थ्रेसर से होता है, मशीन होता है, हार्वेस्टिंग भी हार्वेस्टर से होता है, ठीक है। अब ये हो गया क्या कि हार्वेस्टिंग हो गया कि क्रॉप फील्ड से क्रॉप को कट करके एक जगह करना, थ्रेसिंग हो गया कि उस क्रॉप का प्लांट जो था उससे ग्रेन्स को अलग करना, और विनोइंग क्या हो गया उस ग्रेन से उसके छिलके को अलग करना। जैसे अगर हम बात करते हैं चावल का, तो चावल डायरेक्ट थोड़ी ग्रो करता प्लांट, उसके ऊपर होता है एक कवरिंग, ठीक है ना, जिसको हम लोग जनरली अगर पहले बोलते हैं धान बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मकर संक्रांति में चूड़ा खाते हैं तो वो क्या रहता है, इसी का बना रहता है ना, उसमें देखना कि ब्राउन ब्राउन कलर का छिलका भी होता है, ठीक है, चावल अगर पाया जाता है बहुत ज्यादा। तो विनोइंग करते हैं कि ग्रेन से छिलके को अलग करना ताकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो मिल सके, ठीक है। आगे चलते हैं स्टोरेज। अब क्या है कि ये ग्रेन्स को ऑब्टेन कर लिए, अब ये रेडी है क्या मार्केट में बेचने के लिए और खाने के लिए, बट एक ही बार में ऐसा थोड़ी होता कि अभी सारा चीज करके लाए हैं और एक आदमी खड़ा रहता है कि और उसको हम दे दिए चला गया, 1 kg 2 kg या 2 रुपए तो है नहीं, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, तो अब सारा का सारा एक बार में बिक नहीं सकता, तो उसको स्टोरेज करना पड़ता है। ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि सारा प्रैक्टिस है। क्या करते हैं इसको दो लेवल पे करते हैं हम लोग स्टोर। स्टोरेज क्यों करते हैं, स्टोरेज में क्या क्या ध्यान देना पड़ता है कि नमी से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, चूहे से बचाना है, कि पता चला हम किसी भी गोडाउन में रखते हैं और भूल गए रखते हैं, कुछ भी बात खोलते हैं देखते हैं कि पूरा सारा ग्रेन बर्बाद हो गया, चूहा बर्बाद कर दिया, उसमें कीड़े लग गए, तो ये सब चीज भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग दो तरीके से रखते हैं, पहला डोमेस्टिक लेवल, डोमेस्टिक मतलब घर से रिलेटेड हो रहा है, मतलब स्मॉल अमाउंट में जूट बैग में स्टोर कर सकते हैं अगर कम है तो, छोटे मोटे मेटालिक बीम जो आता है ड्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, ड्राम बोलते हैं जनरली लोकल लैंग्वेज, उसमें हम लोग
कमर्शियल में क्या होता है, जो बड़ा फैक्ट्रीज होता है जिसके पास काफी एकड़ में जमीन होता है वो एक कंपनी वगैरह, जैसा मान लो कि हम लोग खाते रहे इंडिया गेट बासमती चावल इस तरीके से कुछ, तो वो सब होगा कमर्शियल, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा स्टोर करना पड़ता है, तो वो लोग मेटालिक साइलोज में करते हैं। साइलोज मतलब मेटल का बहुत बड़ा बड़ा बिन जिसको बोलते हैं वेसल्स होगा, उसमें रखा जाता है, उसमें पानी से बचा रहेगा, इंसेक्ट से बचा रहेगा और चूहे से बचा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं क्या वैसा फूड जो एनिमल सॉफ्टवेयर होता है, प्लांट का फूड रहता है, कुछ है एनिमल में जो एनिमल हस्बेंड्री का लाता है, ठीक है, जैसे मान लो मिल्क है, मीट है, एग है, हनी है, फिश है और बहुत सारी चीजें जो हम लोग एनिमल प्रोडक्ट से यूज करते हैं, ठीक है। अब एनिमल हस्बेंड्री इसी से रिलेटेड है कि क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री में, कि हम लोग करते क्या है, एनिमल जिसका प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर उसके बॉडी को यूज करते हैं, जैसे मीट के लिए क्या होगा, चिकन यूज होगा, बहुत सारा कैटल यूज होता है, तो उसका रियरिंग मतलब कि उसको पालना, उसका नंबर बनाना, कैसे, तो उसमें फूड का, शेल्टर रहने का और उसका देखभाल, कोई बीमारी जो है नहीं, बढ़िया खाना, उसका रहने के लिए अच्छा छत होना चाहिए घर जो भी बनाते हैं, और उसका देखभाल बहुत जरूरी है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है, हाईवे वगैरह में देखना पोल्ट्री फार्मिंग, तो एनिमल हस्बेंड्री में ही आया, उसके लिए प्रॉपर घर बनाया जाता है ना, कैसे खेत में देता है ना, तो ये चीज देखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, क्योंकि पांच और छह चिकन तो कुछ होगा नहीं, हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कर क्यों रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर क्यों रहे हैं, ताकि जो हमारा डिमांड है फूड का वो फुलफिल हो सके, तो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हम लोग ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आ रहा है क्या, ये तीन चीज याद रखना है, रियरिंग ऑफ एनिमल, ठीक है ना, और लार्ज स्केल बहुत बड़े स्केल पे किसके साथ, फूड उसको अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर फूड जो उसका फूड है वो देना चाहिए, ऐसा नहीं कि घर का चावल दाल खिला, वो नहीं, उसका अपना फूड होगा, फिर उसका शेल्टर अच्छा होना चाहिए, यानी कि धूप में छोड़ दिए, अगर हीट चाहिए तो हीट देना होगा, अगर पंखे की जरूरत है तो पंखे को देना पड़ेगा, बहुत सारा तुम देखता भी होगा जर्सी गाय जो होती है उसको बहुत ज्यादा ही प्रॉपर केयर चाहिए, तो वो सब चीज भी देखना पड़ता है, फिर उसको केयर बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसका रिविजन कर लेना, नोट्स हम भेज चुके हैं, ठीक है, तो सारा पढ़ लेना, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।